हेलो, मैं जगत नारायण, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हम स्वागत करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था फ्रिक्शन होता क्या है, कैसा उपजता है, वो कहाँ पे लगता है, कैसा होता है, म्यू के क्या होता है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के क्या होता है, म्यू एस क्या होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इन सब की बातों की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और हम आगे वाले इस लेक्चर में हम विश्राम कोण या क्रांतिक कोण की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई इस तरीके से ऐसे ऐसे रखिए, अगर यहाँ से इस पर इसको हम थोड़ा हल्का हल्का क्या करें, टिल्ट करते जाएं, झुकाते जाएं, तो ये क्या करेगी, एक बार किसी एंगल पर जाके ये फिसलना स्टार्ट कर देगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐसे इसको टिल्ट करते जाते हैं। देखिए जहां पर ये जिस एंगल पर ये जो नीचे जो क्षैतिज, ये जो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज सरफेस है, वहां से ये जो इंक्लाइंड सरफेस जो एंगल बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विश्राम कोण। यानी जहां से हमारे जो पिंड रखा हुआ है वो क्या करे, हमारा सरकना स्टार्ट कर दे, या अपने ही विश्राम अवस्था को खोने ही वाला हो, त्यागने ही वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे, विश्राम कोण। यानी इधर देखते हैं, विश्राम कोण का मतलब क्या होता है, क्षैतिज से बनाया गया हुआ अधिकतम कोण, जिस पर क्या करें हमारा पिंड बिना किसी बाह्य बल लगाए, क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं नहीं, क्यों, क्या करते हैं, इसको हम हल्का हल्का उठाते जाते हैं, विश्रामावस्था में रखा जा सके, मतलब ये फिक्स रहे। इसके जस्ट अगर थोड़ा सा हल्का सा और टिल करेंगे, क्या करेगा, ये तुरंत सरकना स्टार्ट कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विश्राम कोण। इसी को हम दूसरी भाषा में कहें, किसी रुक्ष सतह पर रखा पिंड, यदि सतह को क्या करें हम, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं या एक तरफ उसको झुकाएं, तो जो क्षैतिज से बनने वाला कोण है, देखिए क्षैतिज से बनने वाला कोण जिस पर पिंड क्या करें हमारा सरकना, सरकने ही वाला होता है, अर्थात ये अपने विश्राम अवस्था में होता है, लेकिन हल्का सा अगर टिल्ट करेंगे इसको तो क्या करेगा, ये सरक जाएगा, ये यहां से सरकना, स्लिप करना, स्लिपिंग कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। तो इस बने कोण को हम क्या कहेंगे, विश्राम कोण। बोलो क्या बोलेंगे इसको हम, विश्राम कोण या क्रांति कोण। कभी कभी परीक्षा में हमसे पूछ लेता है कि क्रांति कोण क्या होता है, और हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ लेता है, वो विश्राम कोण को ही पूछता है दूसरी भाषा में। जैसे हम एंगल ऑफ रिपोज या क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं विश्राम कोण या क्रांतिक कोण। अब आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने एक वैल्यू फाइंड की थी लिमिटिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण के लिए, एफ एस इक्वल टू क्या होता था हमारा, म्यू एस। म्यू एस क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा वाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। और जो आर था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जो हमारा बॉडी थी उसका जो अपोजिट में रिएक्ट करने के लिए डब्ल्यू लगा रहा था। जैसे हमारी बॉडी थी कैसे, ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, एम जी हमारा नीचे काम कर रहा है, तो इसका अपोजिट में आर्यन काम कर रहा है, आर्य मान लीजिए अभी, क्या इसके अपोजिट में बल फोर्स काम कर रहा है। अब इस पर हम इसको, हम इसी बॉडी को हम क्या करते हैं, उठा क्या करते हैं, उठाते जाते हैं, तो ये सरफेस है यहाँ से, इसी को जब हम इसको इंक्लाइन करेंगे, ये बॉडी क्या होगी हमारी, इस पर ऐसे रखी है, अब जब ये रखी है तो ये क्या करेगी, कुछ एंगल बनाएगी यहाँ से, अब इसी एंगल को हमको देखना है किस एंगल पर ये जाके हमारी सरक रही है, किस एंगल पर ये सरक रही है, वही एंगल क्या कहलाएगा हमारा, विश्राम कोण, वो अधिकतम कोण होगा हमारा, वही अधिकतम कोण हमारा क्या कहलाएगा, विश्राम कोण। अब देखते हैं इसको, रफ कर देते हैं, एक मिनट, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारी बॉडी है, ये हमारी किसी सतह पर है, इंक्लाइन सरफेस पर रखी हुई है, इसका जो वेट है W, ऑलवेज डाउनवर्ड काम करेगा, नीचे की तरह भी काम करेगा, W बराबर mg,
ये तो पता ही है। अब देखते हैं इसके कोफिशिएंट निकालते हैं, कंपोनेंट। इस ये जो हमारा डब्ल्यू नीचे काम कर रहा है, इसके कंपोनेंट कितने बनेंगे? जैसी बात है, दो कंपोनेंट, एक कॉस का कंपोनेंट एक साइन का। तो इसको देखते हैं, ये जो थीटा एंगल है यहाँ से, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये जो डब्ल्यू बना रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये हमारा ये क्या बनेगा, ये थीटा के बराबर होगा। अब जो ये थीटा होगा, ये जो थीटा, इससे जो पास वाली भुजा होगी वो हमारी क्या है, कॉस के टर्म में आती है, और उससे जो दूसरी तरफ होती है वो क्या होती है, हमारी साइन के टर्म में आती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो थीटा होता है, ये जो डब्ल्यू जो है हमारा, और वेट, जो वेट है, और जो हमारा ये जो डब्ल्यू है, और ये जो हमारा कंपोनेंट निकल रहा है, इसके बीच बना एंगल ये इस थीटा के बराबर होता है। जो ये थीटा होता है पास वाली, जो इस जो ये हमारा निकल रहा है डब्ल्यू बराबर एम जी, इस वाली भुजा के क्या होता है, जो पास वाली भुजा है उसी का क्या होता है, कास उसी के पास में रहता है, और जो साइन होता है हमारा, जो साइन दूर वाली भुजा के पास में जाता है। ठीक, अब देखते हैं, डब्ल्यू तो हमारा नीचे लग रहा है, इसके कंपोनेंट हमने निकाल दिए, डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी हमने लिखा है, साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया। अब इधर देखते हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा इसको, या एम जी साइन थी, एम जी सॉरी एम जी कॉस थीटा। अब इधर देखते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टिव फोर्स लगेगा आर, जो क्या करती है, बॉडी खुद लगाती है। अब देखिए, जब पिंड सरकेगा इधर, तो घर्षण बल क्या करेगा, इधर काम करेगा, स्थिर अवस्था में भी जो काम करता है घर्षण, ये क्या हमारा स्थैतिक घर्षण एफ एस, और जो हमारा पिंड इधर इधर स्टार्ट कर देगा तो एफ के म्यू के हो जाएगा, यहाँ पर इसका घातीय घर्षण गुणांक म्यू के हो जाएगा। उसकी हम चर्चा अभी यहाँ पे नहीं करना है, हमको हमको देखना है किस एंगल पर ये क्या करेगा, हमारा ये पिंड सरकना स्टार्ट कर देगा। अब देखते हैं, हमने एक फॉर्मूला पीछे प्रूव किया था, क्या एफ एस इक्वल टू म्यू एस इनटू में आर, जहां पर एफ एस था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, और ये म्यू एस जो था हमारा क्या था, गत स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर जो है हमारा, आर क्या है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखते हैं, अब आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ये फोर्स बैलेंस कौन कौन कर रहा है, पिंड को स्थिर अवस्था में कौन कौन बनाए रख रहा है। एक ए आर है जो अपोर्ट काम कर रहा है, उसी के जस्ट परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा है, डब्लू कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा पिंड क्या स्थिर अवस्था में बना रहेगा, तभी अगर स्थिर अवस्था में नहीं बना रहेगा तो क्या करेगा, ये फिसलना चालू कर देगा, किसी एक का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर पिंड क्या करेगा, सरकना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ विश्राम अवस्था में रहने देना है, लेकिन हमको फाइंड करना है ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, किसके बराबर होगी। तो इस देखिए, आर जो है हमारा क्या है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है, आर डब्ल्यू कॉस थीटा यानी एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो हमने लिख दिया, जो कहते हैं आर क्या है हमारा, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक, अब दूसरे बात की तरफ आते हैं, एक फोर्स दो फोर्स तो बैलेंस हो गया, ये जो एफ एस है, एफ एस को कौन बैलेंस कर रहा है हमारा, डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। अब इसको हम देखते हैं, एफ एस जो है किसको बैलेंस कर रहा है, या एफ एस को कौन बैलेंस कर रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा, मतलब ये जितना फोर्स इधर लगाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स, यही तो है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जो क्या कर रहा है, अपने मान को लगातार बढ़ाया घटा ले रहा है। ठीक, इसको बैलेंस कम कर रहा है एम जी साइन थीटा। ठीक है, एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा हमने लिख दिया। अब क्या है हमारा, अब इस दोनों आर है जो एफ एस है, इसकी वैल्यू, ये जो मान है हम इस समीकरण में रखते हैं। हम देखते हैं एफ एस की वैल्यू क्या है हमारी, एम जी साइन थीटा, एफ एस है एम जी साइन थीटा लिख दिया हमने, एफ एस की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा लिख दिया, जो कहते हो कुछ छेड़छाड़ नहीं की इसमें, म्यू एस जो है हमारा, म्यू एस को ऊपर से लिख दिया हमने। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखिए एम जी कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं, इधर आके
एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा को एक तरफ लाते हैं, इधर एम जी कॉस थीटा गुणे में है, इधर क्या आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, जब एम जी कैंसिल हो जाएंगे साइन का कंपोनेंट अवकाश बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, बचा क्या हमारा म्यूवर्स, जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा निकल के आया हमारा, टेन निकल के आया किसके बराबर है म्यूवर्स के, है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर, मतलब कहने का है जो ये यहां से स्थैतिक घर्षण का मान होगा वही थीटा के क्या होगा थीटा के बराबर होगा, या थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टेन इनवर्स म्यूवर्स, जो एंगल होगा हमारा निकल के आएगा, अगर हम एंगल फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू तो टेन थीटा है, अगर इधर में आएगा तो अगर इस साइड में आएगा तो क्या होगा हमारा, यहां पर देख लेते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए एक मिनट, आइए देखते हैं, जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे इधर से टेन थीटा क्या है हमारा म्यूएस, म्यूएस अगर थीटा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे टेन थीटा है, टेन को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे भाग आएगा, टेन इंटू में है थीटा ना, अगर इधर गुणा में तो इधर में आएगा क्या होगा भाग में, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा म्यू एस डिवाइडेड बाई टेन, अब एक बटा टेन को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा क्या आते माइनस एक, ऐसे एक बटा टेन अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन, यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है एक है, अगर यही ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में एक हो जाता है, अब यही हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे म्यू एस, ये जो टेन है ऊपर जाएगा तो क्या होगा टेन ऊपर जाएगा तो टेन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी म्यू एस टेन इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू एस टेन इनवर्स, नहीं 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 सॉरी सॉरी टेन इनवर्स म्यू एस उल्टा हो गया था, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक कोण ऑफ फ्रिक्शन घर्षण शंकु, घर्षण शंकु क्या होता है हमारा ऐसा शंकु जिसका शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या करे हमारा जो दो पिंडों का संपर्क बिंदु हो, देखिए मान लीजिए हमारे दो पिंड है हमारे, मान लीजिए एक एक है एक दो है एक दो, और क्या कह रहे हैं अक्ष हो, ये देखिए अक्ष उनके संपर्क सतह, संपर्क सतह ये रहा पिंड एक पिंड दो इनका सतह संपर्क सतह के अविलंब, ये रहा अविलंब इस पर अविलंब लग रहा के अनुदिश प्रक्रिया, ये रही इसकी प्रतिक्रिया, इन दोनों की प्रतिक्रिया देखिए म्यू आर जो है हमारा एफ एस और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इन दोनों की प्रतिक्रिया जो है हमारी एस, जिसे हम एस से अभी डिनोट कर रहे हैं वो क्या है हमारा एस है, अब आगे देखते हैं प्रतिक्रिया अर्ध शीर्ष कोण, ये जो इन दोनों के बीच हमारा जो एंगल बन रहा है ये क्या हमारा अर्ध शीर्ष, क्यों क्योंकि देखिए हमारा ये पूरा बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, जब हम इस पे अलम्ब डाल दे रहे हैं तो क्या रहे पार दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है इसको, इसको बोले हम अर्ध शीर्ष कोण, किसके बराबर हो पाया घर्षण कोण के बराबर, घर्षण कोण के बराबर, अगर घर्षण कोण नहीं पता आपको तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं वहां पर, घर्षण कोण के बराबर हो तो उससे बनने वाला जो कोण होगा हमारा क्या कहलाएगा वो घर्षण कोण, ये कोण ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंकु, दूसरे शब्दों में हम कहें सीमांत घर्षण बल जो एफएस है, सीमांत घर्षण बल तथा इसकी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया किसकी प्रतिक्रिया जो हमारी पिंड लग रही है, जो पिंड है डब्ल्यू नीचे लग रहा है उसका नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लीजिए हमारा W है FS R ऊपर की तरफ लग रहा है ठीक, अब इन दोनों का परिणामी जो होगा जो R है हमारा
और ये एफ एस है, इन दोनों के मध्य जो परिणामी है तथा नॉर्मल रिएक्शन के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। यही घर्षण कोण है, जो घर्षण कोण को हम अगर इस परिणामी को हम क्या करें, अगर हम इसको एक राउंड ऐसे घुमा दें, जैसे इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको लेके चले आ रहे, जो यहाँ पे ये तो फिक्स है हमारा, यहाँ पे तो घूमेगा तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो सर्कमफ्रेंस बना रहे, जो परिधि बन रही है, ये जो परिणामी जो है, किसका परिणामी? प्रतिक्रिया आर और एफ एस का, ये एफ एस है और आर, इनका परिणामी जो है एस है हमारा एस। इसको अगर हम पकड़ कर ऐसे घुमाए, सर्कमफ्रेंस परिधि बनाए, तो क्या बनेगा? ये जो कोण एंगल बना रहा है यहाँ से, ये क्या बनाएगा हमारा? ये घर्षण कोण कहलाएगा। लेकिन इससे जो बना हमारा एरिया आएगा, आकृति निकल के आएगी, वो क्या कहलाएगी हमारी? शंकु। कौन सी शंकु? कोना फ्रिक्शन घर्षण शंकु। देखिए मान लीजिए हमारा ट्रायंगल, ये हमारा क्या किस बात की व्यवहार कर रहा था? ये तो हमारा पहले था, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, अब इसी ट्रायंगल को क्या करें, यहां पर फिक्स करके इस पॉइंट को लेकर के ऐसे घुमा दें। जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा यहाँ? एक सरफेस बन, एरिया बन, सॉरी एक आकृति बनेगी, शेप बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोण। अब इस जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये जो कोण, ये जो एंगल होगा किसके बराबर होगा? हमारा घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है? मैं पिछले लेक्चर में किया था बात, उसको डिटेल में अगर देखना तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सीमांत घर्षण बल जो है हमारा एफ एस तथा पिंड का जो परिणामी है, पिंड का जो प्रतिक्रिया बल है आर, तथा उन दोनों के बीच बनने वाला परिणामी, क्या परिणामी के बीच बनने वाला एंगल कोण क्या कहलाएगा हमारा? घर्षण कोण। अब इस घर्षण कोण का मान इस शंकु वाले कोण के मान के बराबर होगा, ठीक? तो हमारी ये जो शेप बनेगी क्या वाली कहलाएगी हमारी? घर्षण शंकु। क्यों? शंकु तो बन रहा है, लेकिन हम घर्षण कोण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे घूमने में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इस कारण से इसका नाम क्या हो जा रहा है हमारा? फ्रिक्शन कोण, सॉरी फ्रिक्शन कोण। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये समझने के लिए था, इसको बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान भी यहाँ पर हम दिखाने के लिए कर लिख सकते हैं। यहाँ से हम ट्रायंगल ला लगाकर भी देख सकते हैं, अगर ट्रायंगल ला थोड़ा नहीं देखे तो हम थोड़ा बताए हैं पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे कि 40 न्यूटन का एक जो भार है हमारे जो 30 अंश के इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, जो कि क्या हमारा संतुलन अवस्था में, इसका मान कितना है? 40 न्यूटन। डिग्री कोण कितना बना रहा है समतल से, रुक्ष वाला समतल 30 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे क्या पूछ रहा है? बीच घर्षण गुणांक का मान किसके बीच? इन दोनों सतहों के बीच, यानी जो पिंड है और रुक्ष समतल जो इंक्लाइन सरफेस है, उन दोनों के बीच क्या है? हमसे पूछ रहा है कि घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, हमसे म्यू पूछ रहा है ये म्यू। अब आइए देखते हैं, हम देखेंगे कि फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि 40 न्यूटन का एक भार सीमांत संतुलन में, यानी ये जो सीमांत संतुलन बोल रहा है म्यू एस, म्यू एस हमको बोल रहा है कैसा है, संतुलित अवस्था में, और 30 डिग्री के कोण पर भी झुका है और समतल जो है, तो ये हम जानते हैं म्यू एस बराबर फार्मूला होता है क्या? टेन थीटा। टेन थीटा होता है किसमें? सीमांत संतुलन में। रख देंगे इस पे, हमको ज्ञात ही करना म्यू, तो म्यू एस देख देते हैं। थीटा की वैल्यू हमको क्या दिया कि यहाँ पर 30 डिग्री, हमें और सब झमेलों में नहीं पढ़ना है। देखिए झमेला क्या क्या है, ये W इस पर नीचे काम करेगा, Mg है इसका जो कंपोनेंट निकलेगा Mg cos थीटा, Mg का मान कितना है 40, cos थीटा 40 cos थीटा, यहाँ पर W sin थीटा इक्वल टू यानी sin थीटा होता है, और 40 sin थीटा हो जाएगा, ये इसका मान 40 है, उसी के अनुसार ये सब निकल रहे हैं,
और ये 30 डिग्री के कोण पर झुका है तो इसका मान भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे 40 sin 30 डिग्री और यहाँ पे 40 cos 30 डिग्री। लेकिन हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, इन झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं, हमको दे क्या रखा है सीमांत संतुलन में है पिंड हमारा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे μs = tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। μs ऐसे भी लिख सकते हैं μs = 1/√3, यहां पर भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं या आगे भी कैलकुलेटर उठाएंगे tan 30 का मान निकालेंगे μs 0.578 हमारा आंसर आ जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा ही नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है हमसे, यदि प्रतिक्रिया R, यदि प्रतिक्रिया R जो वेट है हमारा उससे उसके द्वारा हमारी जो प्रतिक्रिया बल लग रही है ग्रेविटी जो लगा रही अपोजिट के रूप में R 5 न्यूटन है और म्यू R उसकी वैल्यू कितनी है 5√3/3 न्यूटन हो, तो हमसे क्या पूछ रहा है घर्षण कोण थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, थीटा इक्वल टू बताओ बच्चा क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं, हमने जो दिया वो लिख लिया आर बराबर 5 न्यूटन ठीक है, और एक वैल्यू और दी है म्यू आर इक्वल टू 5√3, म्यू आर बराबर 5√3। हमने देखा कि म्यू आर दिया, म्यू आर बराबर कुछ होता है हमको पता है, म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है हमारा म्यू बराबर tan थीटा ठीक, और fs बराबर होता है μr, fs हमें नहीं देखना, अभी हमें μ देखना है, हमको क्या ज्ञात क्या करना है घर्षण कोण ठीक थीटा की वैल्यू, और μ बराबर क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, तो हमने लिख दिया μ बराबर tan थीटा ठीक। अब देखते हैं μr ठीक 5/√3/3 लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है, तो म्यू की वैल्यू हम tan थीटा के बराबर लिख दिए ठीक, इसको भी छुपाते हैं। आर का मान हमको कितना दिया है 5 न्यूटन, तो हमने 5 लिख दिया ठीक। अब ये दोनों की वैल्यू क्या हमारी 5√3/3 ठीक, जो पाते हैं लिख दिया हमने। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 = 3 होता है ठीक। अब इसको 3 को क्या लिखें √3 × √3। अब देखिए एक 5 ये 5 ये 5 से कैंसिल आउट, ए रूट तीन किसी एक रूट तीन को हटा दो काट दो ठीक, मैंने इसका हमारा मन इसको काट दिया, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं बचा यानी एक बचा और नीचे क्या बचा हमारा √3, तो tan थीटा बराबर क्या बचा हमारा 1/√3। हमसे पूछ क्या रहा है थीटा की वैल्यू, थीटा का मान पूछ रहा है, तो इस tan को क्या करेंगे हम इस तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ, यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा क्या होगा भाग में, हमने पीछे बताया था जब इधर से भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब हम आएंगे कैलकुलेटर के पास, कैलकुलेटर के पास आएंगे ऑन करेंगे फिर लगाएंगे क्या इसमें tan देखेंगे tan कहाँ पे tan लगाएंगे tan नहीं tan है लेकिन हमको क्या चाहिए tan इनवर्स, तो हम क्या दबाएंगे शिफ्ट और tan के ऊपर दिख रहा है हमको tan इनवर्स उसको दबाएंगे और क्या क्लिक कर क्या वैल्यू रखेंगे 1/√3 देख देते हैं 1/√3। अब हमारी वैल्यू क्या आ जाती है निकल के आ जाती है हमारी वैल्यू 30, ये देखिए 30 आ गई, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितना आ गई 30 डिग्री, जो हमारा थीटा पूछ रहा था उसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पिछले वाले में क्या पूछ रहा था, पिछले वाले में हमसे हमको म्यू पूछ रहा था घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू ठीक, लेकिन इसमें हमसे थीटा पूछ रहा है सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 40 न्यूटन दिया था हमको, यहाँ पर आर प्रतिक्रिया 5 न्यूटन दिया है ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं पहले इसी को उठाते हैं ठीक, यहाँ पर दो वैल्यू दी है म्यू आर दोनों की वैल्यू, दोनों को कंबाइन करके वैल्यू दी है 5√3। म्यू आर जो है हम देखते हैं 5√3/3 देख लिए, म्यू बराबर होता है हमारे दिमाग में क्लिक किया तो कि म्यू बराबर कुछ होता है क्या होता है tan थीटा होता है म्यू बराबर tan थीटा लिख दिया। अगर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है जिसके साथ आता है उसके साथ tan थीटा जुड़ जाता है म्यू एस म्यू के ठीक।
अब देखते हैं म्यू बराबर टेन थीटा, ठीक हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू के पास फिर आते हैं, म्यू का मान टेन थीटा लिखा, आर का मान 5 हमको दिया है, दे रखा है, इसको लिख दिया। इनकी वैल्यू हम सेम सेम रख देते हैं, 3 क्या होता है √3 √3 √3 √3 लाके रख दिए। 5 tan थीटा = 5 √3 / √3 5 5 से चले गए, बस वहां से √3 1 √3 वहां से चले गए, बचा क्या यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा है यहाँ पर √3, तो tan थीटा = 1/√3। अब थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, थीटा को यहीं छोड़ा, टेन को उठा कर ले गए इधर, जब इनको उठा कर इधर लेके गए तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा में थे इधर जाएंगे भाग, जब भाग से फिर एक बार ऊपर करेंगे तो 1/10 होता है, जब हम इसको 1/10 करेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, जब 10 इनवर्स होगा तो 10 इनवर्स लिखा 1/√3। अब हम अपने कैलकुलेटर के पास आते हैं, उस पे एक बटन होगी कोने में शिफ्ट शिफ्ट की, उसको क्लिक करेंगे और 10 के पास जाएंगे जो अंदर की तरफ होगा, 10 की तरफ क्लिक करेंगे तो वहां पर लिखा है 10 इनवर्स, वो बटन दबाएंगे 10 की, 10 बटन दबाने के बाद ये वैल्यू लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 1 लिख पहले बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, 1 लिखेंगे, फिर सिंबल लगाएंगे भाग का निशान, भाग का बटन दबाएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर कोष्ठक बंद करेंगे फिर इक्वल टू कर देंगे, तो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए, इन सबको नहीं लिखना है, समझाने के लिए था। नोट डाउन कर लीजिए, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अपना प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, क्षैतिज से 20 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 20 अंश के कोण पर क्या है, एक समतल, ये हमारा समतल है, 500 न्यूटन भार वाले पिंड को, ये समतल है, इस पर जो पिंड है वो क्या है हमारा, उसका वेट कितना है 500 न्यूटन, डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक, नीचे फिसलने से एक 50 न्यूटन बल, फिसलने से रोकने के लिए 50 न्यूटन बल क्या कर रहा है, बाएं की तरफ, मतलब बाएं की तरफ लग रहा है, ठीक, जो कैसा है नेचर में, जो समतल के समांतर, ये जो समतल इसके समांतर तथा ऊपर की दिशा में, ये देखिए ये ऊपर की दिशा में, अगर ये कहता पैरेलल है तो ये हमारा कैसा होता, यहां से ऐसे आता और यहां से कुछ एंगल बन जाता हमारा, यहाँ पर ये अभी ऐसे नहीं कह रहा हमारा, ठीक, ये कह रहा ऊपर की दिशा में लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है हमारा, इसको रोके हुए है, अर्थात हमारा पिंड क्या है, संतुलित अवस्था में है, ठीक, जब संतुलित अवस्था में है तो फिर हम देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, घर्षण गुणांक म्यू का मान, अर्थात यहाँ पे जो हमारा म्यू काम कर रहा है उसका वैल्यू कितनी है, आइए शुरू करते हैं, मान लेते हैं हमारा घर्षण गुणांक क्या है म्यू, ठीक, ये पिंड जो है हमारा संतुलन में है, तो एक बार हम देखते हैं कि जो हमारा डाउनवर्ड काम कर रहा है ये 500 न्यूटन, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से भी बनेगा 20 डिग्री, जब ये हम दो कंपोनेंट में इसको वियोजित करेंगे तो एक हमारा बनता है साइन का, एक बनता है कॉस का, ठीक, यहाँ पर सॉरी साइन रहेगा, ये जो हमारा पास में कॉस का कंपोनेंट, ये हमारा क्या है 500 cos 20, दूसरा है 500 sin 20। अब देखिए बैलेंस करने के लिए एक आर ऊपर की तरफ लग रहा है इस 500 cos 20 और 500 को देखिए, ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आर 500 cos 20, 500 cos 20 डिग्री, ठीक, अब इसको छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर तो बैलेंस हो गया हमारा, अब देखते हैं इस साइड में हमारा कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये रहा 500 sin 20 डिग्री, दूसरा ये एफ एस बराबर क्या होता है हमारा म्यू आर प्लस में ये 50 न्यूटन, ये भी तो लग रहा है हमारा, ये दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 500 न्यूटन sin 20 इस साइड लग रहा है, तो उसके अपोजिट साइड क्या लग रहा है हमारा 500 न्यूटन प्लस में म्यू आर, अर्थात 500 sin 20 इधर लग रहा है हमारा, 500 sin 20 इस साइड लग रहा, तो दूसरी साइड हमारा क्या लग रहा है इसी बिंदु से 50 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है प्लस में म्यू आर लग रहा, ठीक, अब इन दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 520, ठीक, प्लस में म्यू आर प्लस में 50,
50 न्यूटन। ठीक, अब देखते हैं 500, अब इसको हल करते हैं, 500 sin 20 डिग्री, म्यू म्यू ठीक, आर का वैल्यू हमारा क्या है 500 cos 20 डिग्री, 500 cos 20 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक, प्लस में 50 न्यूटन, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं, ये जो 50 इधर प्लस में, इधर आएगा क्या होगा माइनस में, 500 sin 20 डिग्री माइनस में 50 न्यूटन, ठीक। अब म्यू म्यू 500 cos 20 डिग्री, 500 cos 20 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे, यहाँ पे देखिए म्यू से क्या है मल्टीप्लाई में 500 cos 20 डिग्री, जब इधर आएगा तो क्या होगा ये डिवाइड में होगा, 500 sin 20 डिग्री, 500 sin 20 डिग्री होगा, ठीक, माइनस 50 न्यूटन, माइनस 50 न्यूटन, ठीक, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे डिवाइड में, 500 cos 20 डिग्री, बचा क्या हमारा म्यू, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं, अपना कैलकुलेटर उठाते हैं, ठीक, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे पहले क्या लिखा है 500 लिखेंगे, 500 लिख दिया, साइन 20 डिग्री, ठीक, माइनस माइनस 50, कितना है वैल्यू, जितना भी आया हो 121 आया समथिंग, डिवाइड बाय में कितना करेंगे, फिर क्या है माइनस 50 हो गया, फिर डिवाइड बाय में 500 cos 20 डिवाइड बाई 500 cos 20, हमारी वैल्यू आ रही है कितना निकल के 0.25, ये वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको अलग अलग करके वैल्यू निकालें 500 sin 20 का, फिर अलग निकालें, फिर उसमें से इसको घटाएं, फिर निकालें 500 cos 20 का, फिर दोनों को डिवाइड कर दें, फिर वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमारी 500 sin 20 की वैल्यू आई 171.0 और 50 है ही, और 500 cos 20 का 496.8 वैल्यू आई, डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू आ रही 0.24, ठीक, हमारी वैल्यू 0.22 से 0.25 के बीच आ रही है लगभग, ये भी वैल्यू मान्य है और ये भी वैल्यू मान्य है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, इन के बीच हमारी अगर वैल्यू आती है तो मान हो जाती है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम इससे निकालें, डायरेक्ट निकालें तो 0.25 रखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0.24, ये हमारा क्वेश्चन था बीटी यूपी 2010, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि आज हमने फ्रिक्शन पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स किए, तथा अगले वाले आने वाले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे पिंड कब हमारा नत समतल से कब लुढ़केगा कब फिसलेगा, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे आरजेटी चैनल के साथ, धन्यवाद।